बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड 20 माइल के पास शनिवार को सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दंपत्ति सहित 4 लोग शामिल हैं। सभी बगोदर थाना क्षेत्र के कुदर गांव के रहने वाले थे। के जीटी रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार कार का टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में दंपत्ति समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे का शिकार हुए सभी लोग बगोदर थाना क्षेत्र के कुदर गांव के रहने वाले थे। ये लोग कुछ खरीदारी करने के लिए बगोदर के बाजार जा रहे थे। इसी दौरान 20 मील के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मरने वालों में 60 वर्षीय शेख आजम, उनकी पत्नी 55 वर्षीय आसमीन खातून, 26 वर्षीय मोहम्मद आमिर शेख और 24 वर्षीय मोहम्मद हसनैन शेख शामिल हैं। वहीं हादसे में ममूल रजा घायल है। घायल को रिम्स रेफर कर दिया गया है। अस्मिना खातून का 55 वर्ष, शेख आजम का 45, 26। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो अनियंत्रित होकर रोड से जंगल में जाके काफ़ी तेज रफ्तार में जाके गिर गया, जिससे कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी था, जिसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो मृत है उनको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा जा रहा है।